दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत आप ही के अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं RCM के रॉयल्टी लेवल की एक पिन स्टार गोल्ड पर दो लेख से कमीशन की गणना कैसे की जाती है। इससे पहले हमने आपको कुछ वीडियोस दिए जिसमें बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार और गोल्ड की कैलकुलेशन सिखाई थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टार गोल्ड पिन पर रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। स्टार पिन गोल्ड के लिए ए लेग से होना चाहिए 3,50,000 परचेस वॉल्यूम और बी लेग से होना चाहिए 1,70,000 परचेस वॉल्यूम। तो आइए जानते हैं एक उदाहरण के माध्यम से इसकी कैलकुलेशन। इससे पहले आप यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मान लीजिए किसी महीने आपका सेल्फ आईडी पर परचेस वॉल्यूम है 5,000 पीवी। आपकी दो लेगे हैं ए व बी। ए लेग का पीवी है 3,50,000 पीवी और बी लेग का पीवी है 1,70,000 पीवी। यहाँ आपका कुल पीवी होता है 5,25,000 पीवी और आपका लेवल होता है 32% का। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा कमीशन निकालने के लिए फॉर्मूला। आपकी सेल्फ आईडी का कमीशन प्लस ए लेग से प्राप्त रॉयल्टी बोनस प्लस बी लेग से प्राप्त परफॉर्मेंस बोनस। आपकी सेल्फ आईडी का कमीशन होगा 5,000 का 32%, 1,600 रुपये। आप यहाँ 4.5% यानी 4.5% के रॉयल्टी के लेवल पर हैं। तो ए से प्राप्त रॉयल्टी बोनस होगा 3,50,000 का 4.5% यानी 15,750 रुपये। बी से प्राप्त परफॉर्मेंस बोनस के लिए इसका डिफरेंस देखते हैं जो होगा 32-26.5% यानी 5.5%। 32% हमारा लेवल है और 26.5% के लेवल पर बी है, इसलिए कमीशन होगा 1,70,000 का 5.5% जो होता है 9,350 रुपये। तो यहाँ इस फॉर्मूले पर इन सभी बोनसेस को रख देते हैं तो हमारा कुल कमीशन निकल आएगा। तो देखते हैं हम यहाँ पर 1,600 रुपये प्लस 15,750 रुपये प्लस 9,350 रुपये टोटल होता है 26,700 रुपये। तो ये था बिना TDS का अमाउंट जो आपके कमीशन की गणना से निकला है। तो ये है आपका कमीशन। इस तरह की अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारे इस चैनल पर इस तरीके के छोटे छोटे वीडियोस आते रहते हैं जिससे आपका हर एक कन्फ्यूजन दूर होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।